दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। हम दोनों को एक ही शख्स से धोखा मिला है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप वो धोखा कबूल ही नहीं करना चाहती। धोखा तो तुम दे रही हो। ये झूठ बोल के कि तुम इद्रीस की बीवी हो। ड्रामे कर रही हो। वही हकीकत बताने आई हूं मैं यहां पर। अच्छा चलो फिर बताओ, अब कौन सा झूठ गढ़ा है तुमने, बताओ। मैंने कहा ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे सिर्फ अपने शौहर से बात करनी है। बस अब आगे मत बोलना। वरना उठा के बाहर फेंक दूंगी मैं तुम्हें। आप ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि हम दोनों का स्टेटस एक ही जैसा है। दोनों इद्रीस की बीवी। और दोनों के पास ही एक एक बेटा भी है। ये सारी झूठी कहानियां तो तुम मुझे पहले सुना चुकी हो। और याद है ना कैसे शर्मिंदा होके गई थी। इस वक्त भी वैसा ही होगा तुम्हारे साथ। झूठ और सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और कौन इस घर से शर्मिंदा होकर जाएगा, ये भी वक्त ही बता देगा। ठीक है, तो फिर इस बात का फैसला आज और अभी होगा। तुम अपने हक के लिए इद्रीस के सामने खड़ी हो जाओ और तुम्हें जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए।
क्योंकि अब ये लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहती हूँ। काश आप उस वक्त मेरा साथ देती तो आज आप भी इस तरह मेरे सामने नहीं बैठी होती। अलमाज बेगम है, मेकअप तो इतना हसीन करती हैं कि दुनिया दुल्हन को देखती रह जाए। पॉलर के साथ साथ वो रिश्ता भी करवाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। रूबी को कहना कि कल आ जाए। इनके अम्मी का स्वयं है ना, मेरे साथ जबान चलाओगी? देखो अपनी तुम। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए। हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। मुझे क्या पता था अलमास की वो मर जाएगी। शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी, आगे इस घर में क्या होता रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक पैसा होता ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झूठ झूठ के सलाम करती है। शाइस्ता, आप अभी इसी वक्त घर वापस आइए। क्यों, क्या हो गया? वो झूठी औरत आज फिर आ गई है घर। कौन सी झूठी औरत? वही मुसर्रत। जिसका दावा है कि वो आपकी दूसरी बीवी है। अरे तुम धक्के मार के निकाल बाहर करो उसे। कैसे निकाल दूं? उसने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो जाने के इरादे से नहीं आई है यहाँ। तो चाहती क्या है वो? मुझे क्या पता क्या चाहती। वो मुझसे बात करेगी तो मुझे पता चलेगा ना। वो तो आपसे बात करना चाह रही है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फौरन पहुंचिए। अभी मैं आया हूं ना, सलाम ना दुआ, बस सीधा सीधा ऐसा ले जा। दुआएं लेने के लिए ना दुआओं वाले काम भी करने पड़ते हैं इदरीस। और तुम यार मुसर्रत, पहले तो तुम इतनी बदजबान नहीं थी। पहले तुम्हारा दोगलापन जो नहीं खुला था मुझ पर, तुमने इतने झूठ बोले मुझसे इदरीस के तुमसे शादी के फैसले बिना मुझे मुझे खुद से नफरत होने लग गई है। अरे मुसर्रत, तुम बीवी हो मेरी। दूसरी बीवी भी बीवी होती है मुसर्रत बेगम। हाँ बिल्कुल, पहली बीवी तो बड़े से बंगले में अय्याशी के साथ रह रही है, पर मैं और मेरा बेटा इस छोटे से घर में बंद होकर रह गए। तुम्हारा ये मूड इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? क्या वजह? मेरा तो नसीब भी बिगड़ा हुआ है। अरे तो सब ठीक हो जाएगा ना। बस इदरीस, बस अब मुझे कोई और झूठ नहीं सुनना तुमसे। थक गई मैं तुम्हारे झूठ सुन सुन के। मैं हैरान हूँ, तुमने क्या क्या ख्वाब दिखाए थे मुझे। Thank you.
बेटा वो बुनियाद बिल्डर्स की कोटेशन देखनी है, मगर अभी मैं जा रहा हूँ। क्या वो सब फेरीज है ना? वो फ्रॉड और झूठी औरत फिर घर पे आई हुई है, बैठी हुई है। क्या मतलब फिर आ गई है? वो कैसे आ सकती है वापस? इससे मामला क्या हो रहा है? यही तो जानना है कि मामला क्या, इसीलिए जा रहा हूं। रुके डैड, आपसे कुछ नहीं होने वाला, मैं उसका बंदोबस्त करता हूं। अरे रहने तो बेटा, मैं देख लूंगा। अगर आपने देखना होता ना तो वापस ना आती। मैं चलता हूं आपके साथ, मैं देखता हूं। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बंद कर देती हूँ। तंग तो नहीं किया अरीश ने आपको? अगर अरीश तंग करेगी तो उसका करना बनता है। जो काम तुमने इस रूम में मुझे तंग करके करना था वो तो मेरे हिस्से में आया नहीं। अब वो काम अरीज करेगी। ये भी ठीक है। मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, थक गई होगी। नहीं नहीं अम्मी, लंच कर लिया था मैंने। काम बहुत था ऑफिस में, आज थकावट ज्यादा हो गई। देखो रुच, अगर ज्यादा काम है तो छोड़ दो, अल्लाह खैर करेगा, जिंदगी गुजर जाएगी। काम छोड़ देने से जिंदगी नहीं गुजरती, जिंदगी गुजारने के लिए फाइट करनी पड़ती है, अपने हक को छीनना पड़ता है। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, अपना हक लेना बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं होता। तो तुम क्या करोगी? कुछ तो करूंगी, सोच रखा है। क्या करोगी मुझे नहीं बताओगी? वक्त आने पे सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। देखो अरुच, एक बात याद रख लो, हम बहुत कमजोर लोग हैं। अपने आप को कमजोर जाहिर करना दुश्मन को मजबूत करना होता है। ठीक, जो भी करना बहुत एहतियात से कर। क्योंकि अब मुझ में कोई भी बुरी खबर सुनने की हिम्मत नहीं है। आप बेफिक्र हैं, आपकी बेटी नाकाम नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने सलमान की बहुत अच्छी तरबियत की है, एक मिसाली माँ बन के पाला है आपने उसे। लेकिन वो भटक चुका है अम्मी, और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जितनी ये बात तकलीफ दे आपके लिए है उतनी ही मेरे लिए भी है। मुझे ये लगता है कि जितनी जल्दी हम दोनों इस बात को तस्लीम कर लेंगे इसी में हम दोनों की बेहतरी होगी।
बाहया इंसान अगर किसी इंसान से पीछे हटता है तो बेहया इंसान को लगता है कि वो बुस्तिल है। पर आपको पता है, अपने हक के लिए आवाज ना उठाना भी बहुत बड़ी नाशुक्री है अल्लाह ताला की। मैंने सोच लिया है, मैं अपने हक के लिए खड़ी होंगी, पर अब मैं आप लोगों में से किसी की भी नहीं सुनूंगी। कहाँ है वो मसरत? अंदर बैठी हुई है लाउंज में। मॉम, हमें यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती अगर आप उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल देती। हाँ, वो यहाँ जम के बैठ गई है। अगर दरवाजे पे शोर करती तो क्या कर लेते हम? बेटा शायस्ता ठीक कह रही है, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, अगर वो ऐसा करेगी तो जबान बंद कर दूंगा उसकी। आप लोगों ने चाचू का बिजनेस दानिश के हवाले कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो फैमिली कितनी बड़ी फ्रॉड है, आप लोगों ने वो बिजनेस दानिश को दे दिया। तो बस इतना सोचती हूँ कि काश बाबा हमें जल्दी छोड़कर ना गए होते, शायद हमारे नसीब में ये लिखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मामा, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा इन लोगों को। बताएं इसे कि इसकी औकात है क्या। इजरीस, बताएं इसे कौन हूं मैं, क्या हूं। जानते हम तुम कौन हो, लेकिन एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं माँ हूं। किसकी माँ? इदरीस के बेटे की माँ हूं मैं। इदरीस के बेटे की माँ मैं हूं। और ये रहा मेरा बेटा। हाँ, पर इदरीस का एक ही बेटा नहीं है ना? झूठ बोल रही हो तुम। हमारी दौलत, हमारे पैसे को देखकर तुमने कहानी घड़ी है। चलो थोड़ी देर के लिए ये बात मान लेते हैं कि तुम सही कह रही हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम इदरीस की बीवी हो? हाँ, सबूत? ये रहा सबूत, हमारा निकाह नामा।
14 साल हो चुके हमारे निकाह को। हिद्रीज, ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये जवाब दे, क्या ये सच कह रही है? कुछ भी नहीं है, ऐसे कागजी निकालने तो आसानी से बन जाते। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे इस जाली निकालने पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए बेहतर होगा निकलो यहां से। मैं यहां अपना हक लेने आई और वो मैं लेकर ही जाऊंगी। मुझे इज्जत चाहिए, नाम चाहिए। कौन सा हक? जब तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो कौन सा हक मांगने आई हो तुम? अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला ना तो मैं कानून की मदद लूंगी। याद रखना, हक मैं साबित करके रहूंगी। तो तुम मुझे कोर्ट लेकर जाओगी? हाँ, कोर्ट लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें। और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ही हवाले करके जाऊंगी ताकि उसे तो उसका नाम मिले। अब तुमने मुझे मेरे ही घर में रुसवा तो कर दिया है। समझौते का भी कोई दरवाजा खुला नहीं रह गया। चालाक औरत, मैं अब तुम्हें मजीद अजियत नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम ठहरो, एक मिनट ठहरो। ये लो तुम्हारा तलाक नामा। अब से तुम आजाद हो। हाँ, मैंने तुमसे छुपाया, अब माफ कर दो मुझे, मैं बहुत थक गया। मुझे ये कागज नहीं चाहिए। मुझे मेरा हक चाहिए, मेरा हक महर। कितना हक महर तुम्हारा? पूरे 25 लाख।
ये लो। दोबारा यहां मत आना। हना तो पड़ेगा। अपने बेटे का हक लेने के लिए अभी तो मैं जा रही हूं यहां से, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगी। ये सब क्या था? आपने दूसरी शादी की हुई थी, वो भी मॉम से छुपाकर? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। तायाजा ने शादी की है और शादी करना कोई गुनाह नहीं है। रोज मेरे सामने बेतुकी बात मत करना, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैंने कोई बेतुकी बात नहीं की। रोज मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें, ये सब बंद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ सलमान, मैं खुद उनसे मिली हूँ। शायस्ता मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात, नहीं सुननी। धोखा दिया है आपने मुझे, बार बार झूठ बोलते रहे हो। कितनी स्टूपिड हूं मैं? मैं आपको सच्चा मान के उस औरत को बुरा समझती रही। देखो जो हुआ तुम्हें उससे दुख हुआ, इसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? एक वक्त में दो दो औरतों से झूठ बोला है आपने, और इतनी आसानी से कह रहे कि मैं आपको माफ कर दूं? मॉम, प्लीज इजी हो जाए। कैसे इजी हो जाओ, ये सब कुछ जान के कैसे इजी हो जाऊं मैं? मॉम देखिए, जब आपको सच पता चला तो उसके ही अगले लम्हे वो खत्म भी हो गया। आपको तो दर्द का एक लम्हा भी नहीं मिला। और जब मैं फील कर रही हूं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज आप इस बात को भूलने की कोशिश तो करें। देखो सलमान, ठीक मॉम,
थोड़ी देर के लिए ये बात मान लेते हैं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम इद्रीस की बीवी हो? सबूत? ये रहा सबूत, हमारा निकाहनामा। पूरे 14 साल हो चुके हैं हमारे निकाह को। मॉम, प्लीज इजी हो जाए। मॉम देखिए, जब आपको सच पता चला तो उसके ही अगले लम्हे वो खत्म भी हो गया। आपको तो दर्द का एक लम्हा भी नहीं मिला। और जब मैं फील कर रही हूं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज आप इस बात को भूलने की कोशिश तो करें। भूल जाओ? कैसे भूल सकती हूं मैं, कैसे? इद्रीस ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत, मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाहिशों, मेरी कुर्बानियों को यख लख जमीन बोस कर दिया। कितना एतबार था मुझे इद्रीस तुम पे। सोच भी नहीं सकती थी इद्रीस कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों? ये इसने मुझे फोन क्यों किया? क्यों किया फोन तुमने? ये बताने के लिए ताई जान कि इंसान जो बोता है वही काटता है। आपने सारी जिंदगी लोगों को धोखा दिया है उनके भरोसे का खून किया है। मगर शायद एक बात भूल गई थी आप कि दुनिया मकाफाते अमल है। बकवास बंद करो अपनी। तुमने ये बकवास करने के लिए मुझे फोन किया है? मैं समझ सकती हूँ ताई जान इस वक्त आप किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रही हैं। तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं तकलीफ में हूँ? आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं छुप जाती ताई जान। आपको याद है ताई जान, मेरे मुश्किल वक्त में आपने मेरी बहुत मदद की है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके मुश्किल वक्त में थोड़ी दिलजोई कर लूं आपकी। गलती थी वो मेरी, मैं सांप को रस्सी समझ बैठी। उरुज तुम्हें पहचानने में गलती हो गई मुझसे। नहीं 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 ताई जान, मुझे नहीं,
दरअसल आपको ताया जान को पहचानने में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो तो 14 साल पहले ही मुसरत आंटी के हो चुके थे। शट अप, जस्ट शट अप। हौसला करें ताई जान, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और याद रखें, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। और जब वही रस्सी की ढील को खत्म करता है तो वही बे आवाज लाठी आप जैसे गुनाहगारों के 14 तबक रोशन कर देती है। दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू।